नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के भाग 5 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है या इससे पहले के भाग देखने हैं, तो आप हमारे सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है अर्थव्यवस्था का भाग 5। इसमें हम देखेंगे गरीबी। इसका डाटा NSSO यानी कि NSSO देता है। गांव में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए, ठीक है, इससे आंकड़ा लगाया जाता है। और शहर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए। एशियाई विकास बैंक के अनुसार जिस व्यक्ति की $1.25 प्रतिदिन आय है, वह गरीब नहीं कहलाता। आगे देखते हैं बेरोजगार। बेरोजगार वो होता है जो उत्पादन में काम नहीं करता। जो व्यक्ति 8 घंटे या एक दिन या 273 दिन कार्य नहीं करता, तो उसे अल्प बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है। जैसे भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। और भारत में कृषि के अंदर छिपी प्रच्छद अग्रस्य बेरोजगारी पाई जाती है और मौसमी बेरोजगारी। आगे देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, ये सभी बेरोजगारी के प्रकार हैं। फिर आगे आपका आता है कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक तरफ क्रांति है और एक तरफ क्षेत्र। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, और दोस्तों सफ़ेद क्रांति दूध से, और नीली क्रांति मत्स्य से, और पीली क्रांति तिलहन से, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई है पीली क्रांति। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है लाल क्रांति, ये मांस और टमाटर से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, और गोल क्रांति आलू, ये पुर्तगाल से शुरुआत हुई थी इसकी, और सिल्वर क्रांति अंडा व मुर्गी पालन से, और भूरी क्रांति गोबर गैस से, काली क्रांति तेल से, और ग्रे क्रांति या फर्टिलाइजर या लेदर चमड़ा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुनहरी क्रांति सब्जियां या फल, और इंद्रधनुष क्रांति, ये सभी क्रांतियों को एक साथ जोड़ा जाता है इसमें। फिर आपका आता है सोना क्रांति, ये जूट उत्पादन से, और सिल्वर क्रांति सूट उत्पादन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा विभाग किस तरह की रिपोर्ट जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन देता है, ये देता है UNCTAD यानी के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक ये IMF जारी करता है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये WEF यानी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये IMF जारी करता है। और ग्लोबल कंपटीटिव रिपोर्ट ये WEF जारी करता है। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये WEL जारी करता है। आगे देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये IFPRI जारी करता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और वर्ल्ड इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन इंडेक्स ये UNIDO जारी करता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट ये WTO जारी करता है। और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ये WEF जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये UNDP जारी करता है। आगे देखते हैं, आगे आता है आपका कर यानी कि टैक्स, ठीक है दोस्तों। तो टैक्स के प्रकार, टैक्स दो तरह के होते हैं, केंद्र सरकार लगाती है और एक राज्य सरकार। और इसके अंदर एक प्रत्यक्ष कर होता है और अप्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो कर है प्रत्यक्ष कर, इन्हें ध्यान रखेंगे संपत्ति कर, उपहार कर, स्वास्थ्य कर और कॉरपोरेशन कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। और सर्विस कर, एक्साइज कर
कस्टम ड्यूटी, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार के। फिर आते हैं राज्य सरकार में, इसमें जो प्रत्यक्ष कर है टोल कर, होटल या आय पर कर, और अप्रत्यक्ष कर में वेट और मनोरंजन कर। ठीक है दोस्तों, ये सभी राज्य सरकार के अंदर आते हैं। फिर आगे आ जाता है आपका पूंजी बाजार, जिसमें सेबी आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, सर्वाधिक संस्था इसकी बनी 30 जनवरी 1992 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और जो इसके तत्काल चेयरमैन है वो है आपके अजय त्यागी। आगे देखते हैं सेबी के जो प्रमोटर है वो कौन कौन है, ICICI और IDBI और IFCI। सेबी के कार्य क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना और उन्हें लाइसेंस दिलाना और शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, ये सेबी का कार्य है। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोस्तों 22 है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विश्व का सबसे पुराना एक्सचेंज है एमस्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, 1602 में नीदरलैंड से शुरुआत हुई, ये भी ध्यान रखना है। फिर आगे आपका आ जाता है BSE, ये है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका पुराना नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। गवर्नमेंट ने जो इसे अप्रूव्ड किया 1956 में किया था, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी 2005 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की आने वाली या कोई भी अपडेट तुरंत प्राप्त करा सकें। धन्यवाद।